I always love my panic attack. यकीन करें जब आप भी पैनिक अटैक से दोस्ती कर लेंगे ना तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा. आपको कभी तंग नहीं करेगा, आपको कभी इरिटेट नहीं करेगा. एक्चुअल में पैनिक अटैक हमें बताने आता है कि भैया तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, अपनी उस गलती को सुधार लो. इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं. फ़र्ज करें बहुत तेज़ बारिश पड़ती है और उस बारिश की वजह से आपके छत में से पानी लीक होना शुरू हो जाता है. आप एक्चुअल में अल्लाह ताला से कंप्लेन नहीं करेंगे कि अल्लाह मेरे घर बारिश ना बरसा, बाकी सबके घर बरसा दे, मेरे घर ना बरसा. नहीं, एक्चुअल में बारिश आपको बताने आई है कि भाई तुम्हारी छत कमज़ोर है तो तुम्हें अपनी छत को मजबूत करना चाहिए. एक्चुअल में पैनिक अटैक भी हमें बताने आता है, दोस्त तुम कमज़ोर हो, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को बेहतर करो. बिलीव मी, जितना पैनिक अटैक से डरेंगे उतना ज़्यादा आएगा, और जितना आप इससे दोस्ती करेंगे, जितना कहेंगे कि मुझे आए, नहीं आएगा. ट्रस्ट मी, आजमा के देखें. कुछ चीज़ें अपनी बेहतर कर लें, यकीन करें जिंदगी में पैनिक अटैक से आपकी जान छूट जाएगी. बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग एक्चुअल में एक पैनिक अटैक होता है और एक पैनिक अटैक हम खुद ला रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से. ना हमारे खाने की रूटीन है, ना हमारे सोने की रूटीन है, ना हमारे काम की रूटीन है. अल्लाह से तो दूर है, कोसों मील दूर है. अपनी इन चीज़ों को ठीक कर लें. ये चार चीज़ें जिंदगी बदल के रख देंगी आपकी. अल्लाह से मोहब्बत, उसके बंदों से मोहब्बत, नमाज, उसकी बंदगी, उस पे यकीन, टाइम पे सोना, टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, रोज़ाना वॉक, एक्सरसाइज, चार चीज़ें आपकी पैनिक से दोस्ती करवा देंगी. और जब एक बार पैनिक से आपकी दोस्ती होगी ना तो यकीन करो आपको कभी भी कुछ नहीं कहेगा ये. जितना डरेंगे उतना डराएगा. डर को जितना आप डराएंगे बिलीव मी आपसे उतना दूर हो जाएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा. ये बनाई ही उन लोगों के लिए जाती हैं जो कि थोड़ी सी ज़हनी कश्मकश में सफ़र कर रहे हैं. अल्लाह ताला आपकी और मेरी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए. अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़.